Now next one, example based on string operations. किस वजह से मैं provide क्या कर रहा हूँ? Examples के through what is the difference between declaring two strings like two different format. Means first case में अगर आप string को assign करते like that using following syntaxes. Then same string को create करने का other way क्या है? Using pointers like a int char star a equals to abc. इसे इसके सुझाव से टेस्ट करने वाले था एक्जेक्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू डिक्लेरेशन. इसे दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स अगेन रिगार्डिंग स्ट्रिंग ऑपरेशन. जैसा कि मैंने डिस्कस किया था इन केस ऑफ सेकंड केस, सेकंड केस में फर्स्ट लेफ्ट हैंड पार्ट के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसे जस्ट प्रोवाइड किया हो रहा है पॉइंटर डिक्लेरेशन. सेकंड पार्ट से क्रिएट किया हुआ जस्ट स्ट्रिंग इनसाइड डेटा एरिया, प्लस डेटा एरिया के अंदर अगर कोई भी मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हो रहा है तो ये एलोकेशन एग्जिस्ट कब तक करेगा? जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चला. जस्ट इस बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए मैंने टू सेपरेट फंक्शंस प्रोवाइड किया, फंक्शन एम वन फंक्शन एम टू. फंक्शन एम वन के अंदर जस्ट क्रिएट किया हो रहा है कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे कंटेनिंग ए बी सी. देन इसे रिटर्न किया हो रहा है एड्रेस ऑफ एरे ए. क्यों इस प्लेस पर जस्ट यूज क्या किया? ए और ए के प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. और एरे के अंदर एलिमेंट किस टाइप के? कैरेक्टर टाइप के. कैरेक्टर टाइप के एरे के एलिमेंट के एड्रेस को रिटर्न कराने की रिटर्न टाइप यूज करेंगे ऑलवेज कैर स्टार. क्लियर? क्वालिटी डिस्कस किया था ड्यूरिंग रिटर्निंग एड्रेस फ्रॉम अ फंक्शन. सेम है सेकेंड केस में बात करें, सेकेंड केस में ये क्या है? पॉइंटर. तो इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराना है? रिटर्न ऑल्सो ए देन क्लोज दिस फंक्शन. अगेन ए में भी क्या स्टोर है? एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग. इससे रिटर्न क्या रहा है? स्ट्रिंग टाइप का एड्रेस. इसलिए एम टू फंक्शन का भी रिटर्न टाइप यूज किया जाए कैर स्टार. इन दोनों ही केसेस में इनके बिहेवियर को कंपेयर करने वाली था डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस. फर्स्ट वन, सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन. देन मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें, मेन फंक्शन इट सेल्फ लोड किस प्लेस पर हुआ? इनसाइड स्टैक एरिया. मेन इज क्रिएटेड और लोडेड इनसाइड स्टैक. देन किसी भी फंक्शन को स्टैक में लोड करने का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? फंक्शन के लोकल वैल्यूज के लिए स्पेस प्रोवाइड करना. करेंटली मेन के अंदर कोई भी लोकल वैल्यू फाउंड नहीं हो रहा है. इसके अलावा दूसरा केस क्या स्टोर होगा? रिटर्न बैक एड्रेस ऑफ द मेन फंक्शन. जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ. इसके सपोज अगर इस लोकेशन का एड्रेस 100 है देन कैरेक्टर टाइप्स के एलिमेंट स्टोर कराने जा रहे हैं. इसलिए एड्रेस में डिफरेंस कितने का जनरेट करेंगे? ओनली वन का. इसे एक सिंगल ब्लॉक का साइज क्या है इसके इसमें? ओनली वन बाइट. 95, 94, 93, 92 एंड सो ऑन. क्लियर? दिस इज द स्टैक एरिया. देन सबसे पहले कॉल क्या हो रहा है? मेन फंक्शन. सपोज दैट मेन इज लोडेड टॉप ऑफ द स्टैक. देन मेन के जस्ट बाद इनसाइड प्रिंट एफ फंक्शन. प्रिंट एफ के अंदर जस्ट कॉल क्या हो रहा है? फंक्शन एम वन. देन एग्जीक्यूशन कंट्रोल सेंड करें इनसाइड बॉडी और हेडर ऑफ एम वन. देन एम वन फंक्शन भी अगेन लोड कम हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक. देन जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल एम वन फंक्शन के बॉडी पार्ट में एंटर होगा इसके इसमें मेमोरी किसके लिए एलोकेट कराएंगे? एरे ए. इस एरे ए के केस में बाई डिफॉल्ट इसका स्टोरेज क्लास क्या है? ऑटो स्टोरेज क्लास. और ऑटो वेरिएबल्स मींस इस केस में एरे किस प्लेस पर क्रिएट हुआ? इनसाइड स्टैक एरिया. इस एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 3 + 1 more एलिमेंट इज नल. तो टोटल साइज क्या हुआ इस केस में? 4 bytes. इस फाइनली एम वन के रिस्पेक्ट में स्टैक के टॉप प्लेस पर टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे इस केस में? 4 contiguous bytes. इस एम वन इज लोडेड इन साइड दैट प्लेस. यानी एम वन के रिस्पेक्ट में मेमोरी किसके लिए एलोकेट हुई? से 4 bytes जस्ट एलोकेट किसके लिए हुए हैं? एम वन के रिस्पेक्ट में इनसाइड एम वन वेरिएबल और एरे ए. दिस स्पेस विल बी एलोकेटेड फॉर एरे ए. ए के रिस्पेक्ट में इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3. फर्स्ट प्लेस पर आसान क्या हो जाएगा? कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी, देन फाइनली नल. क्लियर? टोटल स्पेस पर कैरेक्टर्स कितने आसान हुए? देर आर 3 characters इंक्लूडिंग नल. टोटल 4 characters. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे? इस एरे का स्मॉलेस्ट एड्रेस क्या है? 96. तो इसका बेस एड्रेस क्या हुआ? जस्ट 96. देन इस प्लेस पर रिटर्न क्या रहा? रिटर्न ए. ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ? एरे का बेस एड्रेस. और बेस एड्रेस क्या है? 96. देन 96 जस्ट रिटर्न किस प्लेस पर हुआ? रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस. इसके इसमें स्पेशली याद रखना इसे एरे ए के लिए मेमोरी एलोकेशन कब परफॉर्म हुआ था? जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल एम वन फंक्शन के बॉडी पार्ट में एंटर हुआ. सिमिलरली एम वन के अंदर एम वन फंक्शन के लोकल वैल्यूज के लिए डी एलोकेशन कब परफॉर्म हुआ? जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल
एम वन फंक्शन से वापस कॉलिंग प्लेस पर सेंड हो जाए, ऐसे कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर आया, स्पेस पर रिटर्न क्या हो चुका 96। फाइनली जहाँ भी मैंने एम वन को कॉल किया स्पेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा 96, लेकिन इमीडिएटली जस्ट लोकेशन कैसा हो जाएगा अनरिजर्व्ड प्लेस, अनरिजर्व्ड। अब करेंटली ए बी सी किस टाइप के लोकेशन में रिजर्व्ड प्लेस और अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड हो सकता है पर्टिकुलर डेटा किसी अदर ऑपरेशन के थ्रू मॉडिफाई हो चुका हो, मीन्स फाइनली अब आपके लिए पर्टिकुलर लोकेशन पर कौन सा वैल्यू स्टोर है, वैल्यू आपके लिए नॉन है और अननोन, अननोन। लेकिन इस केस में जस्ट परसेंटेज के थ्रू, परसेंटेज के थ्रू डेटा किस फॉर्म में डिस्प्ले होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के केसेस में इस फंक्शन प्रिंट एफ फंक्शन का वर्किंग क्या, रीडिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम गिवन एड्रेस ऑन बोर्ड, मीन्स इस केस में प्रिंट एफ फंक्शन डेटा किस प्लेस से रीड करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम 96 ऑन बोर्ड, और 96 प्लेस पर कौन सा वैल्यू स्टोर है, सारे के सारे वैल्यू आपके लिए कैसे हैं अननोन, क्लियर। देन अननोन के केस में डिस्प्ले क्या हो जाएगा, सम गार्बेज कैरेक्टर लाइक दैट, मीन्स एनी थिंग्स। मीन्स इस केस में प्रिंट एफ से कौन सा आउटपुट डिस्प्ले हुआ इसको किसी भी पर्सन के लिए ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं, दिस इज द अनडिफाइंड बिहेवियर ऑफ प्रिंट एफ। इसका मेरिजन क्या है, क्योंकि इस केस मैंने किसी ऐसे एरे का एड्रेस रिटर्न करा जिसका एड्रेस तो रिटर्न हुआ, लेकिन एड्रेस रिटर्न करने के जस्ट बाद एरे मेमोरी के अंदर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, इस मेमोरी में कहीं भी एग्जिस्टेंस है क्या इसका, नहीं, इसे ऑलरेडी इसके लिए डी एलोकेशन परफॉर्म हो चुका है। अब सेम प्रोसेस को नेक्स्ट टाइम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट केस में रिस्पेक्ट टू एम टू, अगेन फिर से कॉल किया हो रहा फंक्शन एम टू, नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन कंट्रोल सेंड करो इनसाइड बॉडी ऑफ एम टू, क्लियर। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल एम टू फंक्शन के बॉडी पार्ट में एंटर होगा देन इमीडिएटली इसके में अगेन परफॉर्म क्या कराएं मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ एम टू, और एम टू के केसेस में से स्टेटमेंट से जस्ट मेमोरी किसके लिए एलोकेट होगा ए के लिए, लेकिन ए प्रीवियस केस में क्या था एरे, लेकिन करंट केस में ए क्या है एरे और पॉइंटर, ए इज अ पॉइंटर, पॉइंटर है तो ए के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे 2 bytes प्लस ए का स्टोरेज क्लास क्या है ऑटो, इसलिए ए इटसेल्फ कहां क्रिएट होगा इनसाइड स्टैक एरिया, प्लस ए एलोकेशन किसके लिए परफॉर्म हुआ है फंक्शन एम टू, क्लियर, दिस इज एलोकेशन परफॉर्म टू द फंक्शन एम टू। देन ए के रिस्पेक्ट में ओनली 2 bytes एलोकेट हुआ, लेकिन इसे स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में बात करें इस केस में स्ट्रिंग किस प्लेस पर क्रिएट होगा इनसाइड डेटा एरिया, ऑलरेडी मैं कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब भी डबल कोट्स के फॉर्म में स्ट्रिंग क्रिएट करने की जैसे बात, जब भी आप पॉइंटर में साइन करने के लिए ट्राई करो इस सिचुएशन में स्ट्रिंग क्रिएट किस प्लेस पर होगा इनसाइड डेटा एरिया, से स्ट्रिंग के अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने साइन हुए देर आर 4 characters, फर्स्ट केस में साइन हुआ कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी कैरेक्टर सी देन नल, मीन्स फाइनली प्रीवियस केस में एम वन फंक्शन के केस में एरे किस प्लेस पर क्रिएट हुआ था इनसाइड स्टैक एरिया, एलोकेशन का परफॉर्म हुआ जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंट हुआ, डी एलोकेशन का परफॉर्म हुआ जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर सेंड हुआ, लेकिन इस केस में टू डिफरेंट एलोकेशन परफॉर्म टू द पॉइंटर एंड स्ट्रिंग, इस केस में ऑटो स्टोरेज क्लास से लोकल स्कोप अप्लाई किसके लिए हो रहा है पॉइंटर वेरिएबल ए के लिए, मीन्स इस केस में जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक में एंटर हुआ देन एलोकेशन किसके लिए हुआ पॉइंटर वेरिएबल ए, लेकिन ए का डी एलोकेशन का परफॉर्म हुआ जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल से एम टू से बाहर सेंड हुआ। सेम एज सेकेंड केस में एलोकेशन किसके लिए हो रहा है स्ट्रिंग ए बी सी, ए बी सी किस प्लेस पर क्रिएट हुआ है डेटा एरिया, डेटा एरिया के केस में इसका एड्रेस एज्यूम करा जाए 200, 201, 202 एंड 203। फाइनली इस प्लेस पर स्ट्रिंग के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज 200 इज असाइन टू द वेरिएबल ए, देन फाइनली ए क्या इस केस में पॉइंटर वेरिएबल, इस पॉइंटर वेरिएबल ए के केस में असाइन क्या हो रहा है जस्ट एड्रेस एज 200, नाउ ए इज पॉइंटिंग टू द लोकेशन 200, देन ए का टाइप क्या है जा कैरेक्टर पॉइंटर, इसलिए ए कितने वाइट्स को पॉइंट करेगा 200 ऑन वर्ड्स, ओनली सिंगल वाइट, सिंगल वाइट का नेम क्या हुआ एज अ स्टार ए, क्लियर। नेक्स्ट वन इस प्लेस पर फाइनली रिटर्न क्या हो रहा है ए, और ए में करंटली क्या स्टोर है 200, तो इस प्लेस से कॉलिंग प्लेस के लिए सेंड क्या हुआ जस्ट वैल्यू है एड्रेस एज 200, मीन्स कॉलिंग प्लेस पर सेंड किया 200, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल से एम टू ब्लॉक से बाहर सेंड होगा देन इमीडिएटली परफॉर्म किया हुआ डी एलोकेशन फॉर एम टू, और एम टू के केस में डी एलोकेशन के साथ साथ डी एलोकेशन किसका हो रहा है पॉइंटर वेरिएबल ए, लेकिन इस केस में अभी भी स्ट्रिंग कैसा है रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, स्ट्रिंग अभी भी कैसा है रिजर्व्ड, प्लस इस स्ट्रिंग का एड्रेस ऑलरेडी असाइन किस में हो चुका है रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस, कॉलिंग प्लेस में ये एड्रेस कहीं भी असाइन नहीं कराया जस्ट एड्रेस
अगर आप किसी पॉइंटर में साइन करते हैं पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना पॉसिबल है, मीन जस्ट एड्रेस के अंदर पास हुआ जाए प्रिंट टैप, देन प्रिंट टैप के अंदर इस लोकेशन को रेफर कर रहा है पर्टिकुलर एड्रेस के थ्रू, मीन फाइनली प्रिंट टैप किस प्लेस से डेटा रीड करेगा फ्रॉम 200 ऑनवर्ड्स, और 200 लोकेशन से डेटा कब तक रीड होगा, जब तक नल नहीं मिल जाता, क्लियर। मीन इस केस में एड्रेस कहीं असाइन करके डायरेक्टली एड्रेस यूज कहाँ हो रहा है, इन साइड प्रिंट टैप फंक्शन। प्रिंट टैप फंक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग डेटा किस प्लेस से रीड करना स्टार्ट करेगा 200, क्योंकि इस कॉलिंग प्लेस से रिटर्न किया हुआ 200 प्लस पॉइंटर वेरिएबल ए ऑलरेडी डीएलोकेट हो चुका, लेकिन अभी भी स्ट्रिंग मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसे डीएलोकेशन ओनली किसके लिए हुआ है, ओनली फॉर पॉइंटर वेरिएबल, लेकिन अभी भी एबीसी का सा रिजर्व्ड प्लेस, प्लस ये रिजर्व्ड प्लेस कब तक एग्जिस्ट करेगा, जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है, क्लियर। देन कॉलिंग प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ 200, देन प्रिंटएफ फंक्शन डेटा किस प्लेस से रीड करेगा फ्रॉम 200, कब तक, जब तक नल नहीं मिल जाए, तो फर्स्ट टाइम इसको क्या मिलेगा इनिशियली ए, इसलिए नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया जाएगा ए, देन सेकेंड प्लेस पर क्या मिला उसको जस्ट बी, तो सेकेंड टाइम क्या डिस्प्ले होगा बी, नेक्स्ट टाइम अगेन कैरेक्टर सी, देन जैसे इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में नेक्स्ट केस में क्या मिलेगा नल, नल के केस में प्रिंट है फंक्शन जस्ट कैरेक्टर्स को रीड करना स्टॉप कर देगा, इसलिए इस केस में डिस्प्ले क्या हुआ स्ट्रिंग एच ए बी सी। इस फाइनली इस केस में आपको कंपेरिजन चेक करना है, फर्स्ट केस में स्ट्रिंग ऑलरेडी डीएलोकेट हो चुका था, लेकिन एम टू के केस में जब भी स्ट्रिंग डबल कोट्स के थ्रू क्रिएट करा के पॉइंटर में साइन करो, देन इस केस में कोई डीएलोकेशन परफॉर्म हुआ है क्या, नहीं। इसे इस केस में सेकेंड केस में स्ट्रिंग कब तक एग्जिस्ट कर रहा, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिक्लेरेशंस।